स्वागत है दोस्तों आपका इस न्यू गेम प्ले वीडियो में। इस बार हम उतरे हैं पायलट प्लाजा। पायलट प्लाजा में अपने स्क्वाड के साथ उतरे हैं, तो पहले थोड़ी सी गन उनकी लूट करते हैं। और हमें थॉमसन मिल चुका है और लेवल 2 का वेस्ट भी, तो हम चलते ऊपर ऊपर देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ फ्रैग ग्रेनेड, 2 एक्सोस्कोप और सबसे बढ़िया बात हेलमेट मिल गया भाई साहब, हेलमेट, क्योंकि सेफ ड्राइव करेंगे तभी सेफ रहेंगे आप। तो पैन भी मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। और यहाँ हमें सबसे बढ़िया चीज़ मिलेगी इसके S12K के बाद, स्कारल मिलेगी। मिल गए भाई जान किसान, स्कारल मिल गई। तो स्कारल लेके अब हम चलते हैं नीचे, देखते हैं हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे फर्स्ट एड किट हो गए। और भाई साहब क्या नसीब है, फर्स्ट एड किट और 6x स्कोप के साथ। तो फर्स्ट एड किट और 6x स्कोप उठाने के बाद चलते हैं हम नीचे। रुक जाए, पहले थोड़ी सी लूट जाओ, तब से उसका एक बंदा आएगा। तो मैंने देखा उसके हाथ में M16A4 है, तो मैंने कहा अब रस कर देते, क्योंकि उसके पास ऑटो मोड की गन नहीं। तो यहाँ हमारे शुरू में ही 2 किल हो गए। अब हम यहाँ लूट कर रहे, लेकिन 3 नंबर को पता नहीं कौन कहाँ से नॉक कर देते। पता तो था कोई इधर से नॉक किया, वो आएगा इस साइड से, हम पहले सोचते इधर से आएगा, उसको नॉक करेंगे रस्ते पर, उसको हम गेट को पहले बंद करके और रिवाइव देते, क्योंकि अब अगर अब वो आएगा भी तो उसी गेट से आएगा सामने से। तब तक तो मैं इसको रिवाइव दे चुका हूँ, ये भी शायद हील कर चुका होगा। तो हम इसको रिवाइव दे रहे थे, और जैसा मैंने सोचा था गाइस एकदम वही हुआ। मैं इसको रिवाइव दे कर वैसे ही था कि वो सामने से बंदा रख सकता हुआ आया। हमारा हेल्थ बहुत बुरी तरीके से हील कर ख़त्म हो गई थी, तो हमने हील करने के लिए फर्स्ट एड किट इस्तेमाल किया। फर्स्ट एड किट इस्तेमाल करने में हमें पेन किलर भी इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने पूरे पायलट प्लाजा के चक्कर लगाया और देखा कि कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ से निकलने की हम लोगों ने प्लानिंग की। और हम चले आए स्टेडियम के सामने, जो 2 बिल्डिंगें हैं वहाँ। और भाई साहब यहाँ सबसे मेन पार्ट यहीं से वीडियो का स्टार्ट होता है, इस स्टेडियम की बिल्डिंग से। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3-3 स्क्वाड यहाँ आती है, और मैं अकेले सोलो वर्जेज स्क्वाड अब आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम दोनों देख लेते हैं, रूम में कोई है नहीं, तो हम लोग सीधा छत पे चलते हैं। छत पे जाने पर भी कोई खास मिलता नहीं, तो वहाँ एक हमें फर्स्ट एड किट और मिल जाती है, क्योंकि भाई साहब हम बहुत सिक्योर खेलना चाहते हैं, इसलिए जितना फर्स्ट एड किट मिल जाए उतना। तब हमें किसी पैरों के निशान आते तो हम सीधा जंप कर जाते हैं, क्योंकि भाई जो मज़ा पीछे से मारने में है ना, वो आगे से नहीं। तो हम सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चढ़ते हैं, और हमारे बंदा उन दोनों में रस होने लगता है। और भाई इसको हम इतनी गोलियां मारते ये मरता नहीं। और फिर यहाँ से मारते मारते अब हमारा भी बहुत ख़तरनाक हील, तो हम यहाँ से जंप कर जाते हैं, और जंप करते हुए नीचे आ जाते हैं। हम तो सोचते एक बार को हील कर ले, फिर हम कहते हील करेंगे, तब तक तो वो फिर से आ जाएगा। तब से वो बंदा सही में नीचे से आ गया 3 नंबर को नॉक करके। अब यहाँ आया तो हमने उसको मार दिया, और फिर हम हील करने लगे। अब यहाँ देख सकते हैं मैप में कि कितने फुट स्टेप्स आ रहे हैं, आवाज़ से सुन सकते हैं। तो अब एक बंदा और आ चुका था, वो नीचे उतरने वाला था, लेकिन उसने मुझे देखा नहीं, तो मैंने उसको पीछे से भी नॉक कर दिया। अब मैं सोचा 3 नंबर को चल के रिवाइव करूँ, तो मैं यहाँ से कूदता हूँ 3 नंबर को देखने के लिए कि रिवाइव करूँ कि ना करूँ। लेकिन भाई साहब आगे 2-2 बंदे 3-3 बंदे भाग रहे थे, तो इतने में 3 नंबर मर भी जाता है। तो हम कहते हैं अब तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको भी हम मार देते हैं। अब 3 नंबर को मर चुका था, अब मैं बचा था अकेले, और सामने थी स्क्वाड। और जब हमने गेम शुरू किया था, तो हमारे एक टीममेट ने गेम के शुरू होने में ही छोड़ दिया था गेम प्ले, तो इस वजह से हम लोग 3 ही लोग थे, और 3 लोगों में अब मैं बचा था सिर्फ अकेले। अब मैंने कुछ एमो लोड किया, तब तक मुझे फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है सीढ़ियों पर, तो मैं चढ़ के ऊपर चला जाता हूँ। और भाई साहब ये होली का दिन था, तो हमने ड्रिंक तो मतलब पूछो ही मत कितने पी लिए, बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लिए, मतलब फुल नशे में थे भाई साहब हम होली के दिन। तो भाई एक बंदा आता है DP के साथ, भाई साहब बहुत गंदा वाला डैमेज दे जाता है हमें, गुरु नाम का बंदा। अब हम फिर से हील करते हैं,
हम सोचते फर्स्ट एड किट बहुत ढेर सारे मिल गए, तो मैंने हमेशा फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल किया। उसके बाद एक बंदा और आता है और होली का दिन था तो ड्रिंक पीने में हमने ज़रा भी कंजूसी नहीं की, जितने ड्रिंक मिले सब उठाए और सबको यूज़ किया। अब यहाँ दो दो बंदों के फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है, तो एक बंदा आता है, ये भी कुछ अच्छा खासा डैमेज ही दे के जाता है, लेकिन आखिर में वो भी किंग समीर भी मारे जाते हैं और फिर हमें गंदा वाला डैमेज मिल जाता है। इसलिए फिर हम फर्स्ट एड किट इस्तेमाल करके अपने आप को हील करते हैं। और एनर्जी ड्रिंक तो पूछो मत भाई साहब कितने पिए। अब एक बंदे की फिर फुट स्टेप्स आ रही है, ये इसको हमने जब मारा इसने भी डैमेज तो दिया लेकिन उतना अच्छा खासा नहीं दे पाया। अब एक बंदा, दोनों बंदे साथ में आ जाते, ये बंदे को तो रिलोड होने का टाइम भी नहीं मिला गन को। अब हम फिर से अपने आप को हील करते हैं और मेरा वेस्ट जो था वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था, तो मैं सोचता हूँ कहीं लेवल 3 का वेस्ट मिल जाए कम डैमेज वाला। तो हम लेवल 3 का वेस्ट ढूंढने लगते, तो हमें मिलता है एक लेवल 3 का डैमेज, लेकिन वो भी पार्शियली डैमेज, 50% डैमेज हो चुका था। और हमें ड्रिंक तो बहुत ढेर सारी मिल जाती हैं। अब हम फिर ऊपर सीढ़ियों पर बैठ के, एक बंदा फिर आ जाता तो उसको मार के अब सीढ़ियों पर बैठ के बकायदा हम ड्रिंक करते हैं 2-3 बोतल, क्योंकि भाई साहब पहले ही बोल दिया होली का दिन था तो हमने कहा ड्रिंक तो करना बनता है। इतने में एक बंदा और आता है तो हम 2-3 ड्रिंक पीने के बाद चलते हैं, उसको भी हम कहते हैं ख़त्म कर दें। और जब भी बंदा आखिरी बंदा बचता तो भाई साहब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता, भयानक वाला डर लगता, भाई साहब कहाँ से आ जाए कब आ जाए। तो हम बहुत देर तक इधर उधर प्री फायर किए जैसे कि वो कोई रिस्पॉन्स है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगा कि वो कहीं छिप के अंदर जोन में ही होगा, तो हम उतर के नीचे से चलते हैं। और भाई साहब जैसे ही मैं चलता हूँ मुझे वो दिखता नहीं, और कुछ ही दूरी जाने पर मुझे ये मैसेज आ जाता है पबजी वालों की तरफ से लेटेस्ट अपडेट का कि भैया आप विनर विनर चिकन डिनर हो रहे हैं। और भाई साहब कैसा लगा, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।